हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं मनीष, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में डीसीएम टेस्ट सीरीज मेजर 4 फिजिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये पेपर ओवरऑल बहुत इजी है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर शोन ए रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। यहाँ पर ए है जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है। इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड Then velocity of B in the figure shown is। तो अभी यहाँ पर दो अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं A और B, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग से। हम लोग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों, स्ट्रिंग का लेंथ ये कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। इसका मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स स्ट्रिंग के अलोंग सेम होंगे। देखो, B का मूवमेंट जो है ये स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा और ए का मूवमेंट इस तरफ है। अगर हम लोग बात करें, ये एंगल 30 डिग्री है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर ब्लॉक ए मूव कर रहा है। अब अगर ब्लॉक ए की वेलोसिटी हम लोग वी ए से डिनोट कर दें और ब्लॉक बी की वेलोसिटी वी बी, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसका कंपोनेंट अगर आप इधर लोगे 30 डिग्री पर तो ये हो जाएगा वी ए कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू वी बी। अब वी ए गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, आप पुट कर दो 10 इंटू √3/2। यहाँ से आपको बी ब्लॉक की वेलोसिटी मिल जाएगी और ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, इफ 2 सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब, एयर फ्लोज फ्रॉम द बिगर बबल टू द स्मॉलर बबल टिल द साइजेस बिकम्स इक्वल। पहले में ये लिखा है कि जब तक दोनों बबल का, दोनों बुलबुले का साइज बराबर नहीं हो जाता तब तक एयर का फ्लो होगा लार्जर सोप बबल से स्मॉलर सोप बबल के तरफ। दूसरा लिखा है एयर फ्लोज फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर बबल टिल द साइजेस आर इंटरचेंज, यानी जो छोटे वाला बबल है उसका साइज बढ़ जाएगा और जो लार्जर सोप बबल है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरे में लिखा है एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल देयर इज नो फ्लो, ये फोर्थ में लिखा है। देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है इसमें, ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम लोग देख लेते हैं। जो एक्सेस प्रेशर की बात करें, अगर मान लो ये एक सोप बबल है तो सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है इसको हम लोग लिखते हैं 4S/R। ठीक है, अगर ये ड्रॉप होता तो 2S/R। तो यहाँ पर R रेडियस है और S हमने सरफेस टेंशन कांस्टेंट मान लिया है। अब देखो बच्चों, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और हम सबको पता है बच्चों कि जब एयर का फ्लो होगा तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्यूब कनेक्ट कर दें और यहाँ एक छोटा सा सोप बबल कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस जगह का प्रेशर आप P1 नाम दे दो, इधर प्रेशर P2। P1 ज़्यादा है इसलिए इसमें जो एयर का फ्लो होगा वो स्मॉलर बबल से लार्जर बबल की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर 3 में यही लिखा है, एयर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल टू द बिगर बबल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या लिखा है, फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड आर 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, कम्युनिकेशन सिस्टम से है रिलेटेड ये क्वेश्चन बच्चों। देखो, इसमें हम लोग अगर मान लें कि AM ये मैसेज सिग्नल का वोल्टेज एम्पलीट्यूड है और AC ये कैरियर वेव के लिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, AM प्लस AC के बराबर, और मिनिमम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लो प्लस करके, तो आपको यहां पर देखो बच्चों AC मिल जाएगा 6, और अगर AC 6 मिल गया किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो AM भी मिल जाएगा 4। अब हम लोग बात करें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। ये होता है AM बाई AC। यानी आप इसको 4/6 लिख सकते हो या 2/3 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास m और रेडियस r है। यह प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ रैंप एज शोन इन द फिगर। इसके ऊपर देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर इस पॉइंट तक पहुँच रहा है। मैक्सिमम हाइट इसकी h है। क्वेश्चन में लिखा है द डिस्क हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट h टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क विल राइज। देखो बच्चों ध्यान देना, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उठेगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि यहाँ की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एक तो हो जाएगा 12mv² और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12i ω²। क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को तो हम लोग v/r लिख देंगे बच्चों। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क के लिए ये होता है mr²/2। ठीक है ना, अगर इस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये टोटल इनिशियल एनर्जी था और फाइनली यही किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये r² से यहाँ का r² कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ½ mv² है, ये 1/4 mv² है। यानी कि सॉल्व करने के बाद आएगा 3/4 mv² इक्वल्स टू mgh। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें h फाइंड करना है तो 3v²/4g, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है ये। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, अ रिंग ऑफ रेडियस r इज हैविंग 2 चार्जेस Q and 2Q distributed on its 2 half parts. The electric potential at a point on its axis at a distance 2√2r from its center is. क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले आप समझ लो। यहाँ हम लोग मान लें एक रिंग है और इस रिंग के 2 पार्ट्स में देखो, एक तरफ जो चार्ज है ये Q है और दूसरी तरफ चार्ज यहाँ पर 2Q है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, 3Q। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है बच्चों, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। अब इसके सेंटर से यहाँ से इस तरफ एक्सिस इधर आप मान लो, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से 2√2r डिस्टेंस पर है। अगर हम लोग ऐसा साइड से देखें इसको, ठीक है, तो साइड से देखने पर ऐसा दिखेगा। देखो ये 2√2r और ये डिस्टेंस r। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3r। बहुत सिंपल हो गया बच्चों। ये पॉइंट p है, इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज है, चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है k × q/r। r के बदले यहाँ 3r लिखेंगे और चार्ज के बदले टोटल चार्ज q + 2q, यानी 3q हो जाएगा। q से q कट गया, आपको पोटेंशियल मिल गया kq/r, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या लिखा है, ब्लॉक ए ऑफ मास m, ये ब्लॉक ए है, इसका मास m गिवन है, इज प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक b, अ लाइट सपोर्ट s इज फिक्स्ड ऑन अ प्लैंक B and is attached with the block A with a spring of spring constant K. Consider that initially spring is in its natural length and the system is at rest. Find the maximum compression in the spring if the plank B is moved with a constant acceleration a, all the surfaces are smooth. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक प्लैंक है विच इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट with an acceleration a. This acceleration is constant. That means if you observe this block from the platform, there will be a pseudo force acting on the block towards left. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों. अगर हम लोग इस प्लैंक पर से ऑब्जर्व करें तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रहा होगा. और अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं. मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हमें फाइंड करना है बच्चों. देखो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का क्या मतलब है, आप ऐसे कह सकते हो कि जितना भी वर्कडन किया गया होगा स्यूडो फोर्स के कारण, वो स्यूडो फोर्स का वर्कडन इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. अब बहुत सिंपल हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू ए, ये स्यूडो फोर्स है, इसके कारण अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट मान ले, एक्स नॉट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. एक एक्स नॉट को आप कैंसिल कर दो, अब एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2ma/k. That means ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों. थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या लिखा है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल रेडियस एंड मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 and 8 respectively are released in water of sufficient depth. Ratio of terminal velocity of heavier sphere to terminal velocity of lighter sphere. ध्यान देना बच्चों, पहले हम लोगों को heavier sphere की terminal velocity लिखनी है, उसके बाद lighter object की terminal velocity, फिर उनका ratio लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, formula लिखते हैं. देखो ये होता है 2/9 eta, यहाँ पर r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी. टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है. देखो यहाँ पर रेडियस, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म स्फीयर हैं, आइडेंटिकल रेडियस है, तो दोनों के लिए रेडियस सेम होगा. एक ही लिक्विड है वाटर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम होगी. ये जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये डेंसिटी होगी वाटर की, ये मटेरियल का डेंसिटी. आप कह सकते हो जो टर्मिनल वेलोसिटी है हेवियर ऑब्जेक्ट की और फिर लाइटर ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप डेंसिटी हेवियर ऑब्जेक्ट का लिखोगे, फिर नीचे डेंसिटी लाइटर ऑब्जेक्ट का. बस सिंपल है. अब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए 8, तो आप इसको 8 सिग्मा लिख दो. ठीक है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों एक ही मतलब है. अगर हम लोग वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के कंपैरिजन में 8 टाइम्स वो हेवियर है, ये 4 टाइम्स हेवियर है. डेंसिटी की बात करें तो 8 टाइम्स डेंसिटी होगी इस मटेरियल की वाटर के कंपैरिजन में, दूसरे मटेरियल की डेंसिटी 4 टाइम्स होगी. बस यही है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 4 सिग्मा माइनस सिग्मा. अब देखो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7, नीचे 3, तो 7/3 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. देखो बच्चों क्या लिखा है, 2 radioactive सैंपल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स half life 1 hour and 2 hours respectively have same number of nuclei at t equals to 0. The time after which their activities are same is. देखो यहाँ पर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के लिए टाइम जो हाफ लाइफ है वो गिवन है. हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद एक्टिविटी सेम होगी अगर इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, टी टाइम के बाद जो एक्टिविटी होगी, मान लें एक के लिए हम लोग लैम्डा, ये हाफ लाइफ है, तो लैम्डा ये यहाँ पर डीके कांस्टेंट है. ठीक है बच्चों, तो लैम्डा एंड नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये हम लोग एक ऑब्जेक्ट के लिए, पहले ऑब्जेक्ट के लिए एक्टिविटी लिख सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इसको लैम्डा डैश से डिनोट कर दें, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है, और यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस लैम्डा डैश इंटू टी, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब लैम्डा इसको आप लॉग टू बाई हाफ लाइफ लिख सकते हो, पहले के लिए हाफ लाइफ है 1, ठीक है, और फिर यहाँ ई टू दी पावर माइनस, अभी तो लैम्डा टी ही रहने दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 2 बाई, इसका हाफ लाइफ है 2, फिर ई टू दी पावर माइनस लैम्डा डैश टी, तो ln2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको इस तरफ ले आओ, देखो मैं लिख कर बता दूं, e टू दी पावर ये इधर आ जाएगा ना, तो ऐसा बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू टी इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब आप डिवाइड में यहाँ रखोगे फिर पावर ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा आया है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आप दोनों तरफ लॉग लगा दोगे बेस ई के साथ, तो यहाँ पर आएगा माइनस लैम्डा डैश टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ln2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लैम्डा और लैम्डा डैश की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, log 2 बाई 1 माइनस log 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू log 2, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 2, इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा है, हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 500 केल्विन टू 300 केल्विन, इफ द इंजन एब्जॉर्ब्स 100 जूल हीट, then which of the following is impossible amount of heat rejected by this heat engine? अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, ये हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3 बाई 5 यानी कि 2 बाई 5, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई Q1, इसमें लिखा है इंजन एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट, यानी Q1 की वैल्यू गिवन है बच्चों, तो अगर आप यहाँ पर Q1 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 इक्वल्स टू 100 जूल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पुट कर दें 2 बाई 5 इंटू 100, ये आ जाएगा वर्क डन, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा 40 जूल के इक्वल, ये मैक्सिमम वर्क डन है बच्चों, इसका मतलब Q2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये 60 जूल के बराबर हो सकती है, क्योंकि ये जो वर्क डन है हम लोग कार्नट साइकिल यूज करके कार्नट इंजन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वर्क डन ये मिल रहा है किसी हीट इंजन के लिए। अब इसी ऑपरेटिंग कंडीशन की हम लोग बात करें, 300 केल्विन और 500 केल्विन की बात करें, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा वो कितना 60 जूल, तो इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, क्वेश्चन में लिखा है इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ हीट, तो देखो ये सारे ऑप्शन 60 से ज़्यादा है, एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 60 से कम है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका करेक्ट आंसर हो गया 3rd। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा है, द टीवी ट्रांसमिशन टावर इन दिल्ली हैज अ हाइट ऑफ 245 मीटर, द डिस्टेंस अप टू विच द ब्रॉडकास्ट कैन बी रिसीव्ड टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इज, हमें क्या फाइंड करना, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर सकता है। अगर हम लोग देखो बच्चों बात करें डिस्टेंस की, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RH, वैल्यूज गिवन है पुट कर देना है, R के बदले 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और हाइट गिवन है 245 मीटर, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा 490, ये 64/10 लिख सकते हैं ना इसको, और 10⁶। ठीक है, बस। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसके लिए 7 आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, इसके लिए 8 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, यहाँ 10⁵ मीटर होगा, यानी आप इसको 56 किलोमीटर लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लिखा है एन ओपन एंड अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आर ऑफ सेम लेंथ, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू पाइप्स इज। अगर हम लोग ओपन एंड के लिए बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/2L स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर v लिखते हैं ना, ऑर्गन पाइप है v। और अगर हम लोग क्लोज्ड एंड के लिए बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है 2n-1/4L × v, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करना है, इसको आप न्यू डैश नाम दे दो। तो न्यू बाय न्यू डैश, इसके लिए देखो v से v कट जाएगा, यहाँ l से l कट जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट कैसा आ जाएगा, यहाँ पर एक 2 बच रहा है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2n/2n-1। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या लिखा है, अ कंडक्टिंग बार PQ of length L carrying current I is suspended from a rigid support as shown in the figure. A uniform magnetic field B perpendicular to PQ and directed away from the reader inside the plane is applied. If the mass of the bar is M, the tension in each string is. ध्यान से समझना, magnetic field का direction देखो क्या लिखा है, directed away from the reader inside the plane. इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, करंट इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो इस छोटे PQ पार्ट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, IL × B, राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना बच्चों, I इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, IL × B लिखते हैं, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जिधर करंट फ्लो होता है L वेक्टर को हम लोग उसी डायरेक्शन में लेते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग जाएगा, एक तो IBL और नीचे MG लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2T + IBL = MG। इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg - IBL/2, और ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या लिखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। ठीक है, डी जो है इसको हाफ कर दे रहे हैं, और कैपिटल D यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इसको डबल कर दिया गया है। हमें इसमें बताना है फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा, β' बाय β, यहां पर d' बाय d'। लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, चलो अभी लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा सेम है। फिर यहां पर d' लैम्डा बाय d, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, d' बाय d। देखो यहाँ पर d' है बच्चों, तो d' बाय d को आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, और d बाई d डैश भी 2 हो जाएगा, यानी कि β' को आप 4β लिख सकते हो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर इसका 4th हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीरीज एल आर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड आइडियल एसी एमीटर रीड्स 1 एम्पियर, करंट गिवन है। If the inductive reactance is 30 ohm and the resistance is 40 ohm, what is the power consumed by the circuit? Current given है, resistance given है। हम लोग power की बात करें, average power होता है ERMS IRMS into cos phi, और इसी को अगर आप IRMS into Z लिख दो, cos phi को R by Z, तो Z से Z कैंसल हो जाएगा, ये IRMS स्क्वायर इंटू आर होता है। तो बहुत सिंपल है, I की वैल्यू यहाँ 1 गिवन है बच्चों, R के बदले 40 गिवन है, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 40 वाट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसमें, इफ BH कर्व ऑफ 2 सैंपल्स P एंड Q ऑफ आयरन आर as shown below, then which one of the following statement is correct? ये जो ग्राफ है हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं इसको, आप देख सकते हो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है रिटेंटिविटी, और यहाँ से यहाँ तक ये कोएर्सिविटी है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रख सके, यानी उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जो इस कंडीशन में है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके, तो उसकी कोएर्सिविटी कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सैंपल क्यू में, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सुटेबल है, और ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सुटेबल है। तो आप देखो इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंडीशन लिखा है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है P इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और Q इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शंस इस स्टेटमेंट में जो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सब गलत है, कोई भी सही नहीं। देखो इसमें लिखा बोथ P एंड Q सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या लिखा है, अ हॉलो सिलेंडर हैविंग एन इनफाइनाइट लेंथ एंड कैरिंग यूनिफॉर्म करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा अलोंग द सर्कमफ्रेंस एज शोन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, और पर यूनिट लेंथ में जितना करंट है वो लैम्डा है। आप इसको इस तरह से देखो, ऐसे फिगर ड्रॉ करके, तो आपको क्या समझ में आया कि ये एक सोलिनॉइड जैसा है बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 n i, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और i है करंट, इन दोनों को मिला करके हम लोग कह सकते हैं करंट पर यूनिट लेंथ, जो इस क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, तो μ0 into लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है अ रॉड ऑफ लेंथ L इज हेल्ड वर्टिकली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द टॉप एंड ऑफ द रॉड इज गिवन अ जेंटल पुश at a certain instant of time when the rod makes an angle theta with the horizontal, the velocity of center of mass of the rod is v0. The velocity of the end of the rod in contact with the surface to that instant is, हमें बताना है कि जो कॉन्टेक्ट में है, देखो पहले रॉड ऐसे था, अब जब ये स्लिप करने लग गया, इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी वर्टिकल लाइन में रहेगा, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो ये रॉड ऐसे है इस तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, ये वाला जो एंड है इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है बच्चों, ये एंगल थीटा गिवन है। आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वेलोसिटी v0 गिवन है। हम लोग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये रॉड का लेंथ कॉन्स्टेंट है, तो इस लेंथ के अलोंग जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा रिजिड बॉडी के लिए, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इसको v मान लो, v cos थीटा और v नॉट साइन थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। v cos थीटा इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा, तो v की वैल्यू v नॉट tan थीटा और v नॉट tan थीटा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या लिखा है, अ मास m ट्रेवलिंग एट अ स्पीड v नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फार अवे इज डिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस नियर बाय अ ब्लैक होल ऑफ मास m व्हिच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ फ्लाइट। The distance of closest approach A between the mass and the black hole is given by the relation. ये देखो closest approach यहाँ पर A है, यहाँ R distance पर, ऐसे infinite distance पर है मान लो, तो ये जो line of flight है ये इस central line से R distance पर है। ठीक है, अब हमें क्या find करना है, ये A का जो relation है इन सब में से check करना है कि कौन सा relation correct है। ठीक है बच्चों, हम लोग दो इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से, दूसरा एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एम वी नॉट इंटू आर इक्वल्स टू एम, और यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग वी मान ले बच्चों, वी इंटू ए लिख सकते हैं। तो वी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वी नॉट आर बाई ए। ठीक है, v मिल गया हमें, v को एलिमिनेट करना है, जितने भी रिलेशन है वो a, v नॉट, gm इन सब के बीच है। तो अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर है, तो यहाँ सिर्फ हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा जी एम एम बाई ए और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब बस v के बदले हमें क्या पुट कर देना है, v नॉट आर बाई ए, स्मॉल m ये कैंसिल कर दें, तो देखो v नॉट स्क्वायर बाई 2 और ये टर्म है, चलो इसको अभी यही रहने देते हैं, माइनस जी एम बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन में यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दो अलग अलग जगह पर ए है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा करके अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये रिलेशन आ चुका है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ये वाला जो टर्म है, नेगेटिव वाला टर्म, इसको अगर इस तरफ ले आओगे तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एम बाई ए इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, ये वाले टर्म को नीचे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखो, तो वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एम बाई ए। इन सब में से v नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ देखो क्या बचेगा, 2 जी एम बाई ए वी नॉट स्क्वायर। अगर कुछ डाउट है तो आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके देखो कि ऐसा आता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 जी एम ओवर ए वी नॉट स्क्वायर टू द पावर -1। यहाँ पर ये स्क्वायर है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, अब इसको मिटा देते हैं, अब क्या आ जाएगा देखो, r इंटू 1 प्लस 2 जी एम बाई ए वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हाफ। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस में से हमें चेक करना है बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आप देख सकते हो इसका जो आंसर है, देखो ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पे प्लस है बच्चों। ठीक है, देख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो इस जगह हमारे पास क्या रिजल्ट आया, माइनस में यहाँ प्लस है और ये माइनस में ये वाला ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, आर इंटू 1 + 2 GM बाई ए वी नॉट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखो इसमें क्या लिखा है, करेक्ट आउटपुट फॉर गिवन सर्किट एंड इनपुट्स इज। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एक सर्किट है, ए और बी इनपुट है, तो पहले देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी हाई वोल्टेज, और ये वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 0, ऐसा है। ठीक है, हाई के लिए, हाई आउटपुट के लिए हम लोग 1 और लो आउटपुट या इनपुट के लिए 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला कंडीशन दोनों के लिए 1 1 ले, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। देखो ये अगर और गेट होता तो उस कंडीशन में आउटपुट आता 1, लेकिन ये क्या है, नॉर गेट है, यहाँ आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पर 1 है, एंड गेट में 0 और 1 का आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंडीशन को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यानी पहले कंडीशन में क्या आया था, 0। अब देखो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1, यानी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 पुट करना है, यहाँ 1 आएगा, 0 और 1। इसका और गेट अगर हम लोग फाइंड करते तो 1 आता, नॉर गेट है तो नॉर गेट क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इन दोनों का एंड गेट भी 0 आएगा, यानी अभी तक दोनों में हमें क्या मिला है, 0 0 मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 1, यहाँ पर 0, आप इसके बदले 1, यहाँ पे 0 पुट कर दो, 1 0 और गेट 1, नॉर गेट आ जाएगा 0 0 0 का आउटपुट 0। हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या लिखा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डेप्थ H = 0.5 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, देन द फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी दैट एस्केप डायरेक्टली फ्रॉम द लिक्विड इज। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि कितना फ्रैक्शन वो लिक्विड से बाहर जाएगा। इग्नोर एनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सेप्ट TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अलावा कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अगर हम लोग ये सरफेस मान लें, यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है, रे ऑफ लाइट इधर से ऐसे जा रहा है, ये मान लो क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल को आप थीटा या सी से डिनोट कर दो। ठीक है, अब इस बीच में अगर कोई रे जा रहा है, यहाँ से ऐसे कोई रे जा रहा है, तो उससे भी एक्चुअली क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसको नेग्लेक्ट करना है, यानी रिफ्लेक्शन सिर्फ TIR के बाद का ही कंसिडर करना है, उसके पहले कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो ये बाहर की तरफ जाएगा लिक्विड सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल थीटा मिल गया। अब देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, sin θ = 1/μ होगा। 1/μ कहने का मतलब ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा मिल गया। अब देखो अगर sin थीटा मिल गया तो हम लोग cos थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा 3/5 हो जाएगा, ये sin 53 डिग्री के इक्वल है, यानी थीटा 53 डिग्री है, cos 53 क्या होता है, 3/5। अब देखो ध्यान देना बच्चों, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। एक पॉइंट सोर्स अगर यहाँ पर है तो पूरे के पूरे सॉलिड एंगल 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में ये लाइट को एमिट करेगा और यहाँ पर एक कोन जैसा बनेगा। अब इस जगह जो सॉलिड एंगल है हम लोग इसको कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो ओमेगा है इसका फॉर्मूला होता है 2π − cos θ, और हमें इसमें क्या बताना बच्चों कि कितना फ्रैक्शन ये बाहर चला जा रहा है, यानी कि एक्चुअली हमें सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई स्टेरेडियन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिग्मा ये ओमेगा बाय 4 पाई। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वहां से अगर आप 2 पाई पुट कर दो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 4 पाई, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2/5, 2 से 2 कट जाएगा 1/5। ये इसका आंसर होगा। डेसिमल में 0.2 लिख सकते हैं, तो इसका 0.2 पार्ट जो है ये सरफेस से, लिक्विड सरफेस से बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इंटीजर टाइप जिसके आंसर्स इंटीजर फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग एंड इलोंगेट्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक वायर है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ कॉपर का वायर है, और ये अपने वेट के कारण, जब इसको सस्पेंड कर रहे हैं तो अपने वेट के कारण भी उसमें इलोंगेशन होता है, और वो इलोंगेशन के लिए यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द अपर हाफ पार्ट ऑफ द वायर टू द इलोंगेशन इन लोअर हाफ पार्ट ऑफ द वायर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद हो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट का इलोंगेशन फाइंड करें और उसको इंटीग्रेट करें, नेट इलोंगेशन जो आएगा उसका फॉर्मूला कैसा होता है वो मैं लिख के बताता हूँ। नेट इलोंगेशन को स्मॉल एल मान लें और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैपिटल एल मान लो। ठीक है, तो ये जो इलोंगेशन है या आप इसको डेल्टा एल कह दो, ये होता है फोर्स, फोर्स यानी इसका वेट। तो वेट अभी लिख दें डब्ल्यू अपॉन एरिया, यहाँ यंग्स मॉडुलस, और जो लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस यानी L/2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो अगर टोटल लेंथ L था तो उसके लिए कुछ ना कुछ इलोंगेशन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट में जो इलोंगेशन है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डेल्टा L1 नाम दे देते हैं, इसको डेल्टा L2 नाम दे देते हैं। हमें डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 फाइंड करना है। देखो बच्चों ध्यान देना, अगर ये लोअर हाफ पार्ट की बात करें, सिर्फ डेल्टा L1 की बात करें, तो यहाँ पर वेट भी हाफ हो जाएगा, लेंथ भी हाफ हो जाएगा, यानी कि डेल्टा L1 ये हो जाएगा W/2AYL। देखो वेट और लेंथ दोनों हाफ हो गए, वेट को भी आप W/2 लिखोगे, लेंथ भी L/2 लिखोगे, तो यह 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल इलोंगेशन इतना है, उसमें से लोअर हाफ पार्ट में इलोंगेशन ये कैलकुलेट करके आया, तो डेल्टा L2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L माइनस डेल्टा L1। डेल्टा L ये है, ये टर्म दोनों में कॉमन आ जाएगा, अगर आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 WL/2AY, वाई यहाँ यंग्स मॉडुलस है, इंटू 3/4। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1, ये टर्म दोनों में कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, इतना कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 लिखोगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें क्या लिखा है, अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N=2 टू N=1 एंड एमिट्स अ फोटोन। दिस फोटोन स्ट्राइक्स अ डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन Z=3 इन एक्साइटेड स्टेट एंड कंप्लीटली रिमूव्स द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। The least quantum number for the excited state of आयन फॉर द प्रोसेस इज। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें पहले हाइड्रोजन के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है 2 to 1, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13.6 इंटू 1/1² माइनस 1/2², इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। अब दूसरा क्या है, लिथियम। लिथियम को इतनी एनर्जी मिल रही है, एक्साइटेड स्टेट में है वो पहले से, और अब इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी होगी, जितनी नेगेटिव एनर्जी, जैसे हम लोग मान लें कि जैसे हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कोई दूसरा अगर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी होगी -13.6Z² होगी माइनस में। तो अगर उतना ही प्लस में हम लोग एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ये प्लस में लिखा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये इसके इक्वल कर दिया। 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा, Z की वैल्यू यहाँ 3 गिवन है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे ये 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 into 3/n², ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 4। अब देखो ध्यान देना, ये √12 आ गया, ठीक है। √12 का मतलब 2√3, .4 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि n फ्रैक्शन में हो? n तो क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, nth ऑर्बिट, क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि n तो कोई इंटीजर है। अब ध्यान देना बच्चों, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में ये आ रहा है। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो वो 3.4 के आसपास आता है ना, 13.6 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो क्या आता है 3.4, यानी -3.4 है सेकेंड ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है ना बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और मैग्नीट्यूड कम होगा एनर्जी का, तब आसानी से आयनाइज कर पाएंगे। यानी इसके लिए n की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, ना कि 3 लेंगे, और 4 वो मिनिमम क्वांटम नंबर है, लीस्ट क्वांटम नंबर है, जिसके लिए कि इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से लिथियम आयन से अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। तो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या लिखा है, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर pulleys and strings are ideal, acceleration of m1 with respect to m2 in m/s²। दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों 2 किलोग्राम के हैं। यहाँ पर अगर हम लोग टेंशन T मान लें, यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ 2T और यहाँ पर भी 2T हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, स्ट्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्ट्रिंग कांस्टेंट की मदद से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इक्वेशन लिखेंगे तो देखो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 2t माइनस mg, दोनों का मास इक्वल ही है, हम लोग m से डिनोट कर देते हैं इन सबको m से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, m into a के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा, इसके लिए अगर हम लोग लिखे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन t लग रहा है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है 2a, ठीक है। अब इस इक्वेशन को डबल कर देते हैं, फिर इससे प्लस कर देंगे। ये जो इक्वेशन है इसको डबल करना है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब समझ में आया, प्लस कर दो, ये 2t, ये 2t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2mg माइनस mg क्या आएगा, mg, और यहाँ पर यह है 4ma प्लस ma, यानी कि 5ma। m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई g/5, यानी कि आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब a मिल गया, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 है। हमें क्या चाहिए? रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या लिखा है? A ring of mass m equals to 1 kilogram and radius r equals to 1.25 meter is kept on a rough horizontal ground. A small body of same mass m equals to 1 kilogram is stuck to the top of the ring. When it is given a slight push forward, the ring started rolling purely on the ground. What is the maximum speed of द सेंटर ऑफ द रिंग इन मीटर पर सेकेंड? तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर इसका भी मास m, पूरे रिंग का भी मास m, m की वैल्यू 1 किलोग्राम गिवन है। मैक्सिमम स्पीड के लिए इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ये नीचे आ जाना चाहिए इस तरफ ऐसे। तो जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या लिखेंगे? mg इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर 2r हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब यहां पर हम लोग लिख दें 2mgr इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले अगर हम लोग रिंग का लिखें तो ये आएगा mr स्क्वायर, और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ये भी सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर के बदले हम लोग v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। अब आर स्क्वायर इसमें कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा? 2gr इक्वल्स टू ये 1 + 1 यानी 2/2 और v स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब v की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। ठीक है, g की वैल्यू हम लोग 10 लिख देंगे और 2r देखो यहां पे लिख देते हैं 2r, ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 इंटू 10 यानी 25 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है? अ यू ट्यूब फिल्ड विथ अ लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली विथ एन एक्सेलरेशन ए। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, मान लें एक्सेलरेशन ए, और इस सरफेस के बीच ऐसा ये इंक्लाइंड सरफेस है, इनके बीच जो हाइट का डिफरेंस होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? टोटल 25 और ये दिया है 20। इसका मतलब ये हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, ये एंगल थीटा। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? यहां पर 5/10 और फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू a/g। g की वैल्यू 10 ले ले, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो ये था आज का सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू, जय CLC।